चलें नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 32। तीन गुणे दस की घाते माइनस एट कूलाम के एक वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में तीन दशमलव दो चार गुणे दस घाते माइनस चार जूल, कार्य करना पड़ता है। इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ठीक, सबको पता है यही डिस्टेंस है, ठीक है ना। वर्क डन आपको दे रखा है यहां से यहां तक जाने में, और जिसको लेकर गए हो वो चार्ज है। तो भैया बहुत सिंपल सी बात है, इन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, वी बाई डी। अब आपको डी नहीं पता है तो मेरा कसूर नहीं है, वी कैसे निकलेगा? वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होता है, वैल्यू रखिए कूलाम, डिस्टेंस सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए, ई बराबर निकाल लीजिए। जूल पर कूलाम बराबर वोल्ट, ऊपर ही रहने दीजिए। जूल पर कूलाम बराबर वोल्ट कर दिया, नीचे मीटर रहने दीजिए। आप देख लीजिए, दशमलव हटा दीजिए, माइनस वन कर दीजिए, आठ चौ बत्तीस, चार अठे बत्तीस कर दीजिए, और चार नवाई छत्तीस कर दीजिए, और दस की घाते पाँच वोल्ट पर क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। दस घाते पाँच वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। अब क्या कह रखा है? अच्छा, नौ, I'm so sorry, चलिए इसको निकाल दें, आठ पर, इस नौ गुणे दस घाते चार वोल्ट पर मीटर कर, अगर इसको अस्सी कर दें, नौ नवा इक्यासी होता, ठीक आ जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर, धातु की दो समतल प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, 1000 वोल्ट की बैटरी से क्या किया गया है? जोड़ा गया है, इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, 1000 वोल्ट की बैटरी से क्या किया गया है? जोड़ा गया है, ठीक। आगे बैटरी के करा, इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन स्थित है, एक प्रोटॉन, आप चार्ज जानते हैं प्रोटॉन का, ठीक। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई बराबर, पहले तो सबसे पहले ही निकाल दीजिए, 1000 वोल्ट और 2 × 10^-2 मीटर, तो 10^5 वोल्ट पर मीटर और बटे 2, यानी सीधे सीधे 5 × 10^4 वोल्ट पर मीटर, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे क्या कह रहा है? प्रोटॉन पर न्यूटन में बल ज्ञात कीजिए। भैया प्रोटॉन पर बल F बराबर Q इंटू E होता है, सबको पता है E वोल्ट पर मीटर है, 16×5=80 -15 वोल्ट पर मीटर, मतलब न्यूटन पर क्या भी होता है? कूलाम भी, कूलाम कूलाम कट जाएगा, न्यूटन बचेगा, यही फोर्स आ गया इनके बीच। क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न बलों का अनुभव करेगा? नहीं, प्लेटों के बीच सब जगह एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो बल भी सब जगह एक क्या होगा? समान होगा।